भाई बोट के ये TWS पहली सेल में हमसे मिस हो गए थे भाई, दूसरी सेल में हाथ में आए, वो भी अमेजोन की ग्रेट इंडियन सेल चल रही है। तो गाइस मेरा नाम है कैफ और इसका नाम है बोट एडोप्स 452। चलिए देखते हैं वीडियो में ये कैसे TWS है। बॉक्स के अंदर आपको आपकी मैनुअल मिलेगी, वारंटी कार्ड मिलेगा, कैटलॉग मिलेगा, सेटअप गाइड मिलेगी, बहुत सारा पेपर वर्क दिया है, टाइप सी केबल मिल जाएगी, ईयर टिप्स देखने को मिल जाएगी एंड आपकी ईयरफोन देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट टाइम देखते साथ मुझे ऐसा लगा भाई कितना बड़ा है ये, सही में बहुत बड़ा TWS है। ऐसे लग रहा है कि दो अलग TWS है जिसको एक कर दिया गया है। बहुत बड़ी डब्बी है, जेब में तो जाती भी नहीं है, बहुत मान मुश्किल से जाती है और दिखते तो ऐसे जेब में ऐसे बल्ज दिख कर आता है जो गंदा लगता है। सही में मुझे ऐसा लगा बहुत ज्यादा बड़े TWS है। ऊपर बोर्ड का ब्रांडिंग है, सामने LED है, रीसेट बटन दिया गया है, पीछे आपको टाइप सी का पोर्ट है एंड ये लिड का क्वालिटी भी अच्छा है, पूरा मैट फिनिश में देखने को मिलता है। मेरे पास ये ब्लू कलर है जो पर्सनली मुझे ठीक ठीक लगा, आप ब्लैक वैक लोगे तो शायद आपको ज्यादा पसंद आएगा। बट्स कुछ ज्यादा ही लंबे लगे, लॉन्ग स्टेम डिजाइन को लोग ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया भाई। मैट फिनिश में देखने को मिलता है, ब्लू कलर है, आपको LED मिल जाती है, चार्जिंग पिन देखने को मिल जाती है, राइट लेफ्ट इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, बोट का ब्रांडिंग एंड टच एरिया देखने को मिल जाता है। कम्फर्ट मुझे इस प्रोडक्ट का अच्छा लगा, कुछ खास ऐसे इशू हुआ नहीं। नॉइज आइसोलेशन भी अच्छा खासा, मतलब पेन के साथ 60%+ वॉल्यूम्स को ऑलरेडी कैंसिल आउट कर देता है, अच्छी खासी नॉइज आइसोलेशन है, कान में काफी अंदर तक जाते हैं एंड कंफर्ट में प्रॉब्लम नहीं है, आराम से 3-4 घंटे पहन के रह सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम के, आप इन्हें यूज कर सकते हो। कनेक्शन झटपट पेयरिंग, बोट की भाषा में IWP इंस्टेंट वे कर्णी पेयर, क्या करता है बस खोलो 2-3 सेकंड में आपके फोन से पेयर हो जाएंगे। कनेक्शन प्रोसेस भाई बहुत फास्ट है, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, 9-10 मीटर का रेंज आराम से हैंडल कर लेते हैं, मोनोपॉड भी बहुत अच्छा काम कर लेता है यहाँ पे। भाई बोट वालों ने ना इसमें एक और चमत्कारी फीचर दिया है, बस उसके लिए ना आपको इस वीडियो के नीचे जाना है, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है वो उसको ग्रे कर देना है और हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, वहाँ हम बहुत सारी बिहाइंड द सीन एंड टिप्स एंड ट्रिक डालते रहते हैं और आप DM करोगे वहाँ पे तो वहाँ पे भी हम रिप्लाई दे देंगे। तो भाई ये जो आप अभी आवाज सुन रहे हो ये है बोट एडो 452। मैं अभी अपने स्टूडियो बैठा हूँ, मेरे पर फुल स्पीड में फैन चालू है और काफी आवाज करता हुआ कूलर भी चालू है।6 mm का ड्राइवर दिया गया है यहाँ पे जो काफी अच्छा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, बेस लेवल्स बहुत ज्यादा हाई नहीं है। आपको अगर एकदम थंपिंग बेस चाहिए इस प्राइस ब्रैकेट में तो मैं बोलूंगा बोट एडोप्स 101 ले लो, वहाँ पे आपको ज्यादा अच्छा बेस देखने मिलेगा, ट्रेबल्स अच्छे हैं, हाई वॉल्यूम्स अच्छी जाती है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा नॉइज डिस्टॉर्शन होता है एकदम 100% वॉल्यूम पे, उसे थोड़ा सा कम पे सुन रहे हो तो आपको इतना इशू नहीं जाएगा। वोकल्स काफी क्लियर है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन थोड़ा सा मुझे ओके लगा, मतलब मैं होटल कैलिफोर्निया सुन रहा था एंड बहुत ज्यादा क्लियर इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन नहीं था, लेफ्ट का लेफ्ट राइट का राइट से इतना ज्यादा क्लियरली नहीं समझ में आ रहा था, हो रहा था इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन पर वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था। मेरे हिसाब से प्राइस के हिसाब से मुझे इसमें साउंड में कोई कंप्लेंट नहीं है, 1200-1300 के हिसाब से ये काफी अच्छा साउंड है, आपको प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। टच कंट्रोल्स भाई भर भर के दे दिए, मतलब सब कुछ, सिंगल टैप पे प्ले पॉज है, डबल टैप पे नेक्स्ट प्रीवियस है, ट्रिपल टैप पे वॉल्यूम कंट्रोल्स है, होल्ड पे सीरी गूगल सब कर लेता है भाई, सब कर लेता है। गेमिंग मोड मतलब बीस्ट मोड भी यहाँ पे दे दिया गया, राइट वाले को होल्ड करके रखो आपका गेमिंग मोड एक्टिवेट हो जाता है, गेमिंग एक्सपीरियंस काफी इंप्रूव हो जाता है। मैंने एक छोटा सा टेस्ट बनाया है, आप सुन के देख लो। गेमिंग में थोड़ा सा आपको 3D साउंड देखने को मिल जाता है तो थोड़ा सा गेमिंग एक्सपीरियंस इंप्रूव करता है, हल्का फुल्का फुटस्टेप्स आराम से समझ में आ जाते हैं। उसके बाद IPX4 का रेटिंग भी दे दिया गया है यहाँ पे एंड बैटरी लाइफ इस प्रोडक्ट की मुझे काफ़ी डिसेंट लगी। अगर मैं बड्स की बात करूँ तो यहाँ मुझे अप्रॉक्सीमेटली 3.5-4 आवर्स की बैटरी लाइफ दिखी एंड विद द केस आपको अप्रॉक्सीमेटली 16-17 घंटे के आसपास की बैटरी लाइफ मिलेगी, जो मेरे हिसाब से इन माई बुक्स इज डिसेंट बैटरी लाइफ। फास्ट चार्ज भाई बहुत अच्छा है इसमें, बर्ड्स तो 1 घंटे के अंदर अंदर 50 मिनट के आसपास में चार्ज हो जाते हैं, 10 मिनट में आपको काफी प्ले टाइम देखने को मिल जाता है, अप्रॉक्सिमेटली 100 मिनट के आसपास का। भाई फास्ट चार्जिंग बहुत अच्छी है, कोई भी चार्जिंग ब्रिक यूज करो और इसको फास्ट चार्ज कर सकते हो, डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग भाई बोट ने फोकस किया है। अप टू 1300 मेरे हिसाब से अच्छा प्रोडक्ट है इसमें, क्योंकि गेमिंग मोड आपको देखने को मिल रहा है जो काफी अच्छा काम कर रहा है, साउंड क्वालिटी डिसेंट है, कम्फर्ट अच्छा है। मैंने पूरी वीडियो ये पहन के रखा है और मुझे अब तक पता नहीं चल रहा था कि मैंने इन्हें पहन के रखा है, अब मुझे याद आया कि मैंने इन्हें पहना है, इतना अच्छा कंफर्ट है इनका। डिजाइन के मामले में अच्छे है, बस ये केस थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया। और आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और 1 लाख क्वेश्चन में हेल्प करो। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।